गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। माँ प्रकृति की उन सभी संतानों को जो कुदरत के रहस्य को जानकर रोग रूपी दरिद्रता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योग भावति दुःखः। अर्थात युक्त आहार, भोजन लेने के कुछ नियम हैं, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार तैयार करके खाना है, किस प्रकार मिलान करके खाना है, इसके कुछ नियम हैं, काम करने के कुछ नियम हैं, सोने के जागने के कुछ नियम हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा उसे दुख अर्थात रोग आ नहीं सकता। क्या ऐसा भगवान केवल गीता में कहते हैं? नहीं, हमारे सभी धर्मों में, हमारे सभी ग्रंथों में स्वस्थ रहने की विद्या मौजूद है। दुर्भाग्य से हमने अपने ग्रंथों में से आत्मा परमात्मा के बारे में जाना, मगर शरीर के बारे में हम अपने ग्रंथों से लाभ नहीं ले पाए। वरना भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें रोग नहीं होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब में, गुरबानी में भी इसी बात को कहा गया है, खसम विसार किए रस भोग ता तन में उठ खेलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए वैद न बोले दारू लाए, चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट घट में श्वास, श्वास गयो काया डल पाए ताको पाछे कोई न खाए। बहुत स्पष्ट गुरबानी में स्वस्थ रहने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब में बहुत स्पष्ट लिखा है, खसम विसार किए रस भोग। जब हम परमात्मा को भूल के केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन लेते हैं तो तन में उठ खेलोए रोग, तो शरीर में रोग आते हैं। मन अंधे को मिले सजाए, जे मन अंधा है, जिसकी सजा मन शरीर को मिल रही है, वैद ना बोले दारू लाए, वैद के पास डॉक्टर के पास जाके दवाई क्यों मांगते हो? ऐसा नहीं कि हमारे ग्रंथों ने हमें केवल डरा के छोड़ दिया, उसका समाधान भी बताया। चंदन का फल चंदन वास, जैसे चंदन की लकड़ी में चंदन का फल दिखाई नहीं देता, महसूस कर सकते हैं,
ठीक ऐसे ही मानस का फल घट घट में श्वास, मानस देह की शक्ति तो उसके श्वासों की शक्ति है, उसके प्राणों की शक्ति है। श्वास गयो काया डल पाए, श्वास निकल जाता है शरीर गिर जाता है, ताको पाछे कोई ना खाए। ए वैद हकीम डॉक्टर, अगर तेरी दवाई के अंदर इतनी शक्ति है तो प्राण निकलने के बाद इस शरीर को खलाओ और इसको उठाओ और चलाओ, ताको पाछे कोई ना खाए। प्राण निकलने के बाद कोई दवाई नहीं खाता। तो ये प्राण शक्ति का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कैसे इसको फजूल में खर्च करते हैं, ये सारी बात हमारे ग्रंथों में है। संक्षेप में हम इतना समझें कि हम घर को चलाने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करते हैं, शरीर को चलाने के लिए हम कितना नियमों का पालन करते हैं आप खुद विचार कर लीजिए। हमारा घर दफ्तर गाड़ी सब ठीक ठाक चलता है, शरीर सोया सोया ही रह जाता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको कोई दवाई नहीं देने वाला, मैं आपको कोई टोटका नहीं देने वाला, मैं आपको कोई पुड़िया नहीं देने वाला। आपको केवल ये बताया जाएगा भी ये नियम हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये सिद्धांत हैं, इनका पालन करो। उनका पालन करने से, गाड़ी को जैसे चलाते समय नियमों का पालन करने से हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं, शरीर को चलाने के लिए नियमों का पालन करने से रोग रूपी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। बस इतनी बात है। तो आइए, किसी भी यहाँ पर जो भी आपको यहाँ से मिलेगा, ये एक विद्या है, ये एक एजुकेशन है, ये एक शिक्षा है, और इसका वैज्ञानिक आधार है। यहाँ पर किसी धर्म विशेष की प्रचर्चा नहीं है, एक वैज्ञानिक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर एजुकेशन है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले किसी भी एजुकेशन को जानने के लिए उसकी थ्योरी में जाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। अगर थ्योरी समझ आएगी तो प्रैक्टिकल अच्छा होगा, अगर थ्योरी को बिना समझे प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल का रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। सामने एक लाल रंग का बैनर लगा है, इस पे कुछ लिखा है। पहली लाइन लिखी है, सोचिए जानिए कीजिए, बस इसके आगे मत पढ़ना। जिनको दिखाई नहीं देता कोई चिंता नहीं, जिनको जो पढ़ नहीं सकते कोई चिंता नहीं। सोचिए सोचिए हम रोगी क्यों हैं। यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ एक एक शब्द आपको सुनाई देना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्लियर, सबको साउंड क्लियर है? सोचिए हम बीमार क्यों हैं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि श्रोतागण सभी रोगी आए हैं यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो मेरी बात को इस दृष्टि से सुने, वो केवल आपके लिए है। एक एक बात आपके रोग की बात कर रहा हूँ, भले आपका की नब्ज मैंने देखी या नहीं देखी, भले आपकी रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। अगर किसी को कोई रोग नहीं है तो मेरी बात को कुछ ऐसे सुने कि जीवन में उसको कभी कोई रोग नहीं आएगा। हम रोग से निर्भय होने वाले हैं। आज
सोचिए हम रोगी क्यों हैं, जो रोग हमें है वो पशु पक्षियों को होता है क्या? अब अभी मैं पूछने लगूं आपको रोग क्या है, उत्तर क्या मिलेगा? मोटापा, जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, पथरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, बवासीर, चमड़ी रोग, थायराइड, दमा, ऐरा वगैरह। जितने भी रोगों की बात अगर मैं आपसे पूछने लगूं और आप बोलेंगे वो रोग, सभी को मिला के एक नाम रख लेते हैं, आधुनिक डिजीज, मॉडर्न रोग, डिजीज आजकल के रोग। ये जो आजकल के रोग हैं ये पशु पक्षियों को होते हैं क्या? पहले के लोगों को होते थे क्या? 50, 60, 70 वर्ष पहले के लोगों को ये रोग होते थे क्या? अगली बात, जब हम पैदा हुए, जब हमारा बचपन था तो हमें ये रोग थे, बताइए हाँ या ना? ना। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहने का मतलब आप यहाँ बैठे होते हैं और आप कहीं और होते हैं, आपका मन कहीं और होता है और इधर से जो भी बोलता हूँ आपको नहीं समझ लगता और मेरे को आपके चेहरे देख के पता चल जाता है कि आप वहाँ चले गए हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं। मेरे साथ रहना, एक एक शब्द के साथ रहना। अगर आपका उत्तर नहीं में है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रोग का जिम्मेवार मेरा भाग्य है या दुर्भाग्य है या मौसम खराब है या मैं स्वयं हूँ या मैं खुद हूँ, बताइए। खुद हैं तो फिर इस रोग को ठीक, जिस रोग का कारण मैं खुद हूँ, दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वो अमेरिका से डॉक्टर आए ठीक कर सकता है क्या? निश्चित रूप से जिस समस्या का कारण मैं खुद हूँ उसका निवारण मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। सोचिए, कितनी देर सोचेंगे? सोचने से कोई लाभ नहीं होता है। सोचने के बाद हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि रोग तो आ गया, इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? कोई भी समस्या आने के बाद अड़ोस पड़ोस से जानकारी ली जाती है। जब हम लोगों से पूछते हैं कि इस रोग का इलाज कैसे कराएं, तो कुछ लोग हम देखते हैं कि दवाइयां खा रहे हैं और दवाई के द्वारा इलाज कराने की कोशिश करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आपका रोग ठीक हो गया क्या? वो बोलते हैं कि दवाई खा रहा हूँ, रोग ठीक नहीं हुआ। फिर उनसे पूछते हैं ये दवाई कितनी देर खानी पड़ेगी? उत्तर मिलता है सारी उम्र खानी पड़ेगी। फिर उनसे पूछते हैं कि जब दवाई शुरू की थी उसके बाद रोग बढ़ा तो नहीं, वहीं रुक गया? नहीं नहीं नहीं, रोग बढ़ भी रहा है, रोग एडवांस स्टेज में भी आ रहा है। शुगर की दवाई खाओ, एडवांस स्टेज में जाएगी ही जाएगी, चाहे खाते रहो 10 साल। तो रोग ठीक भी नहीं हो रहा है, दवाई बंद भी नहीं हो रही है और रोग बढ़ने से भी रुक नहीं रहा है, और रोग के बढ़ने से जो खतरे हैं उनसे भी हम छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते, तो फिर दवाई क्यों खाई जा रही है? फिर चलो दवाई भी खा लेते हैं अगर उसका कोई नुकसान ना हो। उस दवाई को इंटरनेट पे जाके टाइप कीजिए उस दवाई का नाम और साथ में लिखिए व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसन, तो मालूम पड़ेगा कि इस दवाई को लंबी देर तक खाने से आपको और बहुत खतरनाक इस तरह के 5-7 रोग और लग जाएंगे। तो फिर पहला रोग तो मेरा ठीक नहीं हो रहा,
और रोग लगने की संभावना साथ है दवाई के, और दवाई बंद भी नहीं करनी है, खानी भी पड़ेगी, तो फिर किया क्या जा सकता है? ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। अब दवाई से रोग ठीक नहीं होते हैं ऐसा हम जान चुके हैं। फिर हम देखते हैं कुछ लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं, कोई गले का ऑपरेशन करा रहा है, कोई नाक का ऑपरेशन करा रहा है, पथरी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, हार्ट की बाईपास सर्जरी करवाई जा रही है। फिर उनसे पूछें कि जी ऑपरेशन करा के अब आगे से तो कोई खतरा नहीं है, ये रोग फिर दोबारा तो नहीं आएगा? वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये रोग दोबारा भी आ सकता है, और कुछ लोगों को, मेरे जानने वालों को आ भी चुका है, और ये ऑपरेशन भी दो दफ़ा भी हो चुके हैं, तीन दफ़ा भी हो चुके हैं। तो फिर ऑपरेशन कराने से भी रोग ठीक नहीं होते हैं तो क्या करें? कुछ लोग घुटने बदलवा रहे हैं, कुछ लोग पेट को छोटा करवा रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने अंगों को बाहर निकलवा रहे हैं, गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकलवा रहे हैं। घुटने बदलवाने से रोग खत्म हो जाता है क्या? रोग जड़ से चला जाता है क्या? जिन्होंने घुटने बदलवाए वो सारे खुश हैं क्या? हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत देख लीजिए, आज टीवी पे भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, और उनसे बढ़िया डॉक्टर हमें मिल नहीं सकता है। जो अंगों को निकलवाया जा रहा है, क्या भगवान ने इन अंगों को गलती से लगा दिया शरीर के अंदर के जरूरत नहीं है, इसको निकलवा दो? दवाई खाना खाने से भी रोग ठीक नहीं होते हैं, ऑपरेशन कराने से भी रोग ठीक नहीं होते हैं, अंगों को बाहर निकलवाने से भी रोग ठीक नहीं होते हैं, तो फिर रोग ठीक कैसे हों? जब हम ढूंढने लगते हैं तो ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं, हमें कोई और विकल्प नज़र नहीं आता। जरा सोचिए, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं लगभग सभी का हल हमें जीवन में ही मिल जाता है। हम शादी चाहते हैं तो शादी हो जाती है, बच्चे चाहते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी हो जाती है, मकान चाहते हैं तो मकान हो जाता है। तो फिर रोग की समस्या का हल इस जगत में क्यों नहीं है? अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग ले। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर है 011-2751-0771, 09-9537-22272।